हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपने चल रहा था कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन में पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट और इस फर्स्ट यूनिट का पार्ट पढ़ रहे थे ए, और उस पार्ट ए का नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बंधन संरचना एवं बंधन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसके टॉपिक के बारे में चर्चा की थी और सहसंयोजक जो बंध है उसकी आणविक उदाहरण क्या है इसके बारे में आज टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंध की आणविक उदाहरण, सहसंयोजक बंध की आणविक अवधारणा जो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसके बारे में डिस्कस करें। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स जब आपस में पास में आते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग से क्या होता है? सहसंयोजक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कहां से शेयरिंग होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग कक्षकों से। कक्षकों में आपस में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के बाद में क्या होता है? बंध का निर्माण होता है। जो आधुनिक अवधारणा प्राय जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये बताता है कि जो कक्षक होता है एक अंतरिक्ष के उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता क्या हो, ज्यादा हो। यानी कक्षक इसे कहेंगे, कक्षकों में क्या प्रेजेंट रहेगी? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जिनकी संभावना क्या हो अधिकतम, उनको क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा हो। अब एक परमाणु कक्षक उन्हें कहते हैं जो किसी एक नाभिक से जुड़े और दो परमाणु या मैं दो या दो से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, जो दो नाभिक से जुड़ी होगी, दो एटम सी नाभिक से जुड़ी हो। एक परमाणु कक्षक उन्हें कहा जाता है जो किसी एक नाभिक से साथ में क्या हो, बंधे हो तथा एक से अधिक नाभिक से बंधा कक्षक क्या कहलाएगा? आणविक कक्षक कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो आधुनिक अवधारणा के आधार पर आधुनिक अवधारणा के आधार पर या अनुसार कक्षक उस आंतरिक कक्षक प्राय कक्षक किसे को कहेंगे? कक्षक उस अंतरिक्ष के समान है, यूं कह सकते हैं उस अंतरिक्ष क्षेत्र को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की अधिकतम संभावना उस अंतरिक्ष के समान है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या हो, अधिकतम संभावना हो। अब देखो नोट एक में लिखते हैं कि अपरमाणु कक्षक क्या है और आणविक कक्षक क्या है। एक परमाणु कक्षक उन्हें कहा जाता है, एक परमाणु
एक परमाणु कक्षक में कहा जाता है जो किसी एक नाभिक से बंधा हो, जो नाम से पता चलता है, जो किसी एक नाभिक से जुड़ा या बंधा हुआ हो। एक नाभिक से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक परमाणु कक्षक कहेंगे। और तथा एक से अधिक नाभिक से बंधा हो या बॉन्डेड हो तो उसको क्या कहेंगे? आणविक कक्षक। तथा एक से अधिक नाभिक से जुड़ा हुआ हो तो उसे आणविक कक्षक कहते हैं। NO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो परमाणु कक्षक क्या हो गया? तो डायरेक्टली एक ही न्यूक्लियस से जुड़ा हो, नाभिक से जुड़ा हो, और एक से ज्यादा नाभिक से जुड़े हुए हो तो उसको क्या बोलेंगे? आणविक कक्षक कहा जाता है। तो एक नाभिक से बंधा अर्थात एक परमाणु जो एक से अधिक नाभिक से बंधा है क्या बोलते हैं? उसको आणविक कक्षक बोला जाता है। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित शब्द है कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से परमाणु कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। यूं कह सकते हैं कि जो परमाणु कक्षक है उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से, यूं कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षकों के अति व्यापन से आणविक कक्षक अति व्यापन से इसे इलेक्ट्रॉनों बंध का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का क्या होता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है। इन बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है जिनकी नेचर होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है क्योंकि विभिन्न कक्षकों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि विभिन्न कक्षकों के आकार भी अलग अलग होते हैं। अब देखो सहसंयोजक बंध की प्रकृति भी क्या है, यानी कि बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है क्योंकि हम जानते हैं कि विभिन्न कक्षकों के आकार भी अलग अलग होते हैं। आकार या आकृति भी क्या होती है? अलग अलग होते हैं। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई। तो सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। आधुनिक उदाहरण के अनुसार कक्षक अंतरिक्ष के समान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या हो? संभावना ज्यादा हो। यानी कि कक्षकों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक उन्हें कहा जाता है जो किसी एक नाभिक से जुड़ा है बंधा हो तथा एक से अधिक नाभिक से जुड़ा हुआ हो तो उसे आणविक कक्षक कहते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से
अतिव्यापन से सहसंयोजक पद में निर्माण होता है। इन बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कक्षकों में क्या यूं कर सकते हैं कि जो एलिमेंट होता है उसके कक्षकों में आकृति जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। और जैसे जैसे चेंज होती रहती है आकृति तो वो भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट में एक सहसंयोजक पद का टाइप देखते हैं, सिग्मा। मतलब कि क्या हुआ, सिग्मा बन गया। सहसंयोजक पद है एक पाई, सहसंयोजक कौन सा है, सिग्मा और पाई। अब सिग्मा कब बनेगा और पाई कब बनेगा, यदि कक्षकों का ओवरलैपिंग अक्षीय है। यदि कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करें तो सिग्मा बंध बनता और यदि अतिव्यापन कैसा हो, पार्श्वी, या यूं कर सकते हैं कि कोटलेटरल हो, या यूं कर सकते हैं समपार्श्वी अतिव्यापन, समपार्श्विक या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, यानी अतिव्यापन हो तो क्या होगा, पाय बंध का निर्माण होता है। अब जैसे मान लो कि एक तो एस कक्षक है, एस पी डी एफ, एस कक्षक एक ही प्रकार का होता है, पी तीन प्रकार के होते हैं, डी पांच प्रकार के होते हैं, एफ सात प्रकार के होते हैं। ये होता है पी एक्स, पी वाई और पी जी। ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये जो एस ऑर्बिटल है ये किधर से भी ओवरलैपिंग करे इसमें हमेशा क्या बनना बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। और यदि ये वाले जो ऑर्बिटल है इस टाइप से यदि पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। अब यदि कक्षकों की ओवरलैपिंग इस टाइप से हो तो ये होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, अक्षीय अतिव्यापन। और समपार्श्वीय या कोलेटरल अतिव्यापन जो होगा वो कैसा होगा, ये समपार्श्वीय कैसे होगा, ये दो नोड है, ये वाली दो लोब से ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है ये वाली, इससे कौन सा बोन बनता है, फाइबर। आगे बात है तो ओवरलैपिंग जो होती है वो पीपी टाइप की होती है, पीपी टाइप की टू टाइप से होती है और ऐसा सा ओवरलैपिंग होती है। तो मैं ये बताऊंगा कि इस प्रकार से कक्षकों के ओवरलैपिंग से बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो यदि इस टाइप से अक्षीय ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यदि पाई ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इस टाइप से तो उस समय कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आप नोट कर लो एक बार और इसमें देखते हैं कि पाई बॉन्ड या एस एस ओवरलैपिंग क्या होती है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो एस एस ओवरलैपिंग यानी कि एस कक्षक एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, एस पी के साथ भी कर सकता है, पी पी के साथ कर सकता है, पी डी के साथ कर सकता है। एस एस अतिव्यापन, इस अतिव्यापन से क्या होता है, बंध का क्या होगा, निर्माण होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो मैं को एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, गोल होते हैं, और पी कैसे होते हैं, डंबल जैसे होते हैं, डी कैसे होते हैं, डबल डंबल जैसे। एस कक्षक गोल होते हैं स्पाइरल, और पी कक्षक डंबल जैसे होते हैं, और डी कक्षक डबल डंबल जैसे होते हैं। तो पी कक्षक का ये इस पी कक्षक को मैं पी कक्षक के साथ में क्या है, ओवरलैपिंग करवाना चाहता हूं, इसको बोला जाता है एसएस ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग क्या बनेगा, इस तरीके से ये मिल जाएंगे दोनों ही कक्षक,
क्या बन जाएंगे ये इस तरीके से। अब ये जो बना है ये यहाँ पर ये दोनों के बीच मिलने से ये दोनों मिलने तो यूं कह सकते हैं इसको इस तरीके से ये ऐसे मिले हैं ऐसे। ये जो बना है इसको मैंने इस तरीके से लिया फिर इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो ये इसका ये इसका। तो ये जो बना है ये सिग्मा बंद बना है क्या बना है सिग्मा बंद और हमेशा एस अक्षर के साथ ओवरलैपिंग सिग्मा बंद के साथ में ही बनता है सिग्मा बंद ही बनाए गए पाई बॉन्ड नहीं बना सकता एस ओवरलैपिंग। अब देखो इधर इसकी में ये तो हो गया एस एस ओवरलैपिंग जो जो एस एस ओवरलैपिंग थी उससे क्या बना अपने को सिग्मा बंद बना है इस तरीके से गोल बना लो बोला इसको और इसको भी बना लेना। अब मैं एस की किसके साथ ओवरलैपिंग करा रहा हूं एस की अति व्यापक इससे भी कौन सा बंद बनेगा सिग्मा बंद बनेगा सिग्मा बंद बनेगा यानी कि क्या आएगा बस ऑर्बिटल और ये चल जाएगा पी कक्षा ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है इससे कौन सा बंद बनेगा सिग्मा बंद बनेगा। तो ये जो बन रही है इसको सोर्स टर्म भी बोला जाता है क्या बोला जाता है सोर्स इसके साथ में भी इसके साथ भी आप ओवरलैपिंग करवा सकते हैं Px Py Pj इसके साथ भी आप ओवरलैपिंग करवा सकते हैं सीमा बंध का निर्माण होगा और सीमा बंध का निर्माण हो सकता है इससे। अब देखो Pp ओवरलैपिंग से क्या होता है Pp ओवरलैपिंग से क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो अब इसमें क्या है कि जो पीपी और लेपिंग को टाइप की होती है पहला टाइप है इसका। अब सेकंड टाइप इसका पीपी है इसे फर्स्ट टाइप से तो अपने को सिग्मा बॉन्ड बना था और ये कैसा और लेपिंग था अक्षीय अतिव्यापन अक्षीय अतिव्यापन से क्या बना था अपने सिग्मा बॉन्ड। अब अपन करना चाहते हैं इसी पीपी और लेपिंग से पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा जैसे मान लो कि ये एक्स ये कोई ऑर्बिटल इससे क्या बनेगा पाई कक्षकों के समपार्श्वीय समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड तो पी भी ये भी पी कक्षक है और ये भी क्या है पी कक्षक। अब कैसा हो रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा इस तरीके से बन जाएगा इस तरीके से कौन होगा इस तरीके से ये बनेगा कैसे बन जाएगा इस तरीके से ये घूम जाएगी मतलब ओवरलैपिंग से इसको बोला जाता है पाई अणु आज की क्लास में बस इतना।